तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप सभी का भाई स्वागत है अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर उदयपुर सर्वा ट्रेन का इंजन और डिब्बे जो है अलग हो चुके हैं, मतलब जो कपलिंग है इन दोनों की, इंजन और डब्बों की, वह भाई यहाँ पर टूट गई है। बड़ा हादसा जो है टल गया। ये जो हादसा था रात 10 बजे करीब गुजरात के नांदोल देगाम स्टेशन पर जो है हुआ है। उदयपुर से रविवार को शाम में 5 बजे जब ये ट्रेन भाई असरवा के लिए रवाना हुई थी ना, तो ट्रेन के गुजरात के नांदोल देगाम स्टेशन से रवाना होने के बाद होते ही जो इंजन और डिब्बों के बीच की जो कपलिंग होती है वह ओपन हो गई, मतलब वह खुल गई, जिसकी वजह से इंजन और डिब्बे जो है अलग अलग हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय ट्रेन की जो स्पीड थी काफ़ी कम थी, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा जो है नहीं हुआ है और हादसा जो है टल गया। यह घटना लापरवाही के कारण हुई या अन्य कारणों की हुई, इसके खुलासा जांच होने के बाद ही जो है किया जाएगा। जो जानकारी भी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार दोस्तों, उदयपुर से सर्वा जा रही जो ट्रेन थी रात करीब 10 बजे गुजरात के नांदोल देगाम स्टेशन पर पहुंची। 2 मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगी। तो प्लेटफॉर्म के आधी से अधिक ट्रेन निकलने के बाद अचानक जो है झटके लगे और साथ में इंजन और डिब्बों की जो कपलिंग है वह ओपन हो गई, मतलब पूरी तरह से खुल गई। इससे इंजन और डिब्बे जो है अलग अलग हो गए। इस दौरान रेल में बैठे यात्रियों को झटका लगा और वह सहम भी गए। स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने रेल की जाँच की तो प्रथम जो यहाँ पर देखा गया कि कपलिंग अच्छी तरह से बंद नहीं होने के कारण यह हादसा होना पाया गया है। मतलब भाई जो कपलिंग होती है, आप चाहे वह 2 डिब्बों की कपलिंग ले लीजिए, चाहे आप इंजन और जो कि इंजन से सटा हुआ जो क्षेत्र होता है, मतलब इंजन से जो डिब्बों की कनेक्टिविटी जो होती है उसको कपलिंग कहा जाता है भारतीय रेलवे की भाषा में, तो वहाँ पर इसकी कपलिंग को बराबर ज्वाइन ना होने के कारण यह पूरी तरह से ओपन हो गई और खुल गई। और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन से निकलते समय ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अगर दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होती तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना जो है यहाँ पर हो सकती थी, जिसमें से जनधन दोनों की हानि जो है हो सकती थी। ट्रेन की स्पीड पकड़ने के बाद यह घटना होती तो बड़ा हादसा भी जो है हो सकता था। फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, ट्रेन वापस ये रवाना हो गई वहाँ से। फ्रेंड्स, इसके साथ में कुछ अच्छी न्यूज़ भी हम साथ ही साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि हर बार आप जो है ना नेगेटिव न्यूज़ नहीं पढ़ सकते। तो आज के जो एक बेहतर न्यूज़ थी ना, वह यह थी कि उदयपुर से सर्वा के लिए 1 नवंबर से रेलगाड़ियां परमानेंट चल रही है। 31 का इनॉग्रेशन हुआ और 1 से रेगुलर चलने लगी। तो इस ट्रेन की मांग इतनी अधिक थी ना भाई कि पहले ही दिन से इस ट्रेन में यात्री भार के साथ ट्रेन चल रही, मतलब वेटिंग जैसी स्थिति भी आ चुकी, जिसकी हमने एक पहले ही वीडियो आपको बनाकर आपको बता दिया था। लोगों ने बताया कि घटना के समय इस ट्रेन में करीब 1000 यात्री सवार थे, मतलब समझ सकते हैं कि भाई रोजाना ना हज़ारों की संख्या में लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट से, मतलब दिन में लगभग अभी फिलहाल एक ही ट्रेन चल रही है, लेकिन जब यहाँ पर ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा तो ये संख्या जो है ना और अधिक जो है बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपको बताते चलो कि उदयपुर से करीब 274 किलोमीटर दूर इस घटना के बाद नांदोल देगाम स्टेशन के बाहर जो है उदयपुर सर्वा ट्रेन को खड़ा रखा गया था, उदयपुर से जो कि 274 किलोमीटर दूर है यह रेलवे स्टेशन। और अभी हाल ही में कुछ लोगों ने कहा था कि भाई असरवा रेलवे स्टेशन के बारे में आप जानकारी दीजिए, आखिर कहाँ स्थित कहाँ है और यहाँ से अहमदाबाद की दूरी कितनी है। तो आपको बताते चलो कि अहमदाबाद की दूरी है ज़्यादा यहाँ पर नहीं है दोस्तों, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। आप जो है ऑटो के माध्यम से 10 रुपये की टिकट लेकर आप यहां पहुंच सकते हैं। और अगर आप गुजरात सरकार की जो गुजरात की ट्रैवल्स होती है, गवर्नमेंट ट्रैवल्स, उसमें आप 4 रुपये का टिकट लेकर जो है इस स्टेशन तक आ सकते हैं। आपको अगल बगल थोड़े बहुत यहां पर खाने पीने की चीज़ें यहां पर मिल जाएगी, चाय वगैरह हो गई दोस्तों, यहाँ पर भोजनालय वगैरह की सुविधा भी जो है दी गई है, तो आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो 1.5 से 2 किलोमीटर प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ से आपको रास्ता यहाँ पर मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर जहाँ पर 8 है वहाँ पर कालूपुर का मेट्रो स्टेशन भी जो है बनाया गया है, तो भाई मेट्रो स्टेशन का भी आप लाभ लीजिए। और बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूर आपको सर्वा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अगल बगल काफ़ी बढ़िया एनवायरनमेंट है, तो आपको जो है फ्लाईओवर पार करके सर्वा रेलवे स्टेशन की तरफ आपको आना पड़ेगा। फिलहाल जिन्होंने यह क्वेश्चन पूछा था उनको यह चीज़ मिल चुकी है, आखिर लोकेशन क्या है। फिलहाल धन्यवाद एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम।